हेलो दोस्तों, आप लोगों को हम स्वागत करते हैं अपने ब्लॉग में। आज हम लोग घर से बाहर आए हुए हैं खाना बनाने के लिए खेतों की तरफ, और बनाएंगे खाना। जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे हम आपको दिखाते रहेंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। बाल बहुत छोटे हो गए हैं, और बाकी चलते हैं आपको दिखाते हैं कहाँ पर भोजन बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या बनेगा। सब्जी और पूड़ी बनेगी, दो चार लोग मिलके हम बनाएंगे, बाकी आपको दिखाते रहेंगे आगे। चलिए दिखाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ खाना बनाएंगे बाहर आके, घर से थोड़ा से दूर। सब्जी और पूड़ी बनाएंगे। ये रही आग, और इसमें शायद आलू रखी जाएगी अब उबालने के लिए। हाँ रख गई है आलू, दिखाओ भाई आलू। ठीक है, नीचे आग जल रही है। ये काकाश्री हैं, यही बनाएंगे, लाखों दो लाख पार्टी, और बाकी सारे कार्यकर्ता हैं। कद्दू काटना स्टार्ट हो गया है, और ये रही हमारी कद्दू। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आलू उधर उबल रहा है। मिनी भंडारा जिसको कह सकते हैं हम, वो चालू है, और बाकी एक दो लोग सहयोगी और हैं, आ रहे हैं अभी घर से। ये सुमित हैं, परात लेके आ रहे हैं। पीछे बालक हैं, का नाम तुम्हारा इनका नाम सामर्थ है, अपने आप को सामर्थ बता रहे हैं। कहाँ जा रहे हो यार? तो अब दोनों परातों में कद्दू कटेगी, जल्दी जल्दी काटो। हैं आई है अभी, ये भी बनवाएगी। पूड़ी बेलोगे ना? हैं कहाँ है ना बेलोगे? अरे काम करता हूँ वही। नहीं वो पहले। हाँ ये भाई साहब हैं, पंपी सेट का करी हो। हाँ बिल्कुल सही। मंगा तेल मसाला, तेल मसाला मंगा, हम पाँच लेके आए कद्दू। हाँ, पक्का कद्दू के लिए हो गई लड़ाई, कद्दू के लिए हो गई लड़ाई। भाई कौन लाएगा कद्दू? कद्दू कौन लाएगा? कद्दू के लिए लड़ाई हो गई भाई, कद्दू के लिए लड़ाई हो गई। टमाटर, प्याज, अदरक और मिर्च है इसमें। अब इसकी कटिंग होगी। इधर पग्गी काट रही है और काका हैं। हम ये सब धो के लाए हैं, हमारा काम धोने का है सिर्फ, और आग जलाने का मेरा काम है। दो काम मुझे दिए गए हैं, एक तो आग जलाने का, दूसरा पानी से धोने का। लगभग आलू पक ही गई है, थोड़ा सा रह गया है पकने के लिए, लगभग पक ही गई है। और उधर तड़के वाला सामान कट रहा है, काका और पग्गी काट रहे हैं, और ये भी हो जाएगा। बच्चे का लहसुन सिर्फ छीलना है हमें, लहसुन अंदर रखा हुआ है, और बताते हैं आपको, दिखाते रहेंगे मैं आगे। और ये रहा आजू बाजू का व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इधर सारे खेत हैं। ये देखिए धान की फसल है सारी। तो आलू तो पक गई दोस्तों, अब इसके बाद इसको हम छीलेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे हम। तो इसकी धुलाई करेंगे अब कद्दू की हम, और उसके बाद दिखाएंगे हम आपको आगे। ये रहा हमारा कद्दू, इसकी बनेगी सब्जी ना। हाँ बस 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 हो गया, बस 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 बस। तो अब हम आलू छीलेंगे भाई, और आलू छील के इसी बल्टी में रखेंगे अंदर। हम और जंगली छीलेंगे आलू, दो लोग मिलके, बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। काका लहसुन छील रहे हैं, पग्गी कार्टून देख रही है। ठीक है जी, अब हम भी आलू छीलेंगे। ठीक है, दिखाएंगे आगे हम आपको। ओ अदरक लहसुन
और मिर्च एक में ही ग्राइंड कर दिया है, ये रखा है, ये टमाटर काट रहे हैं काका, इसी में किए हैं ग्राइंड, और वो प्याज भी कट गया है। तेल डाला जा रहा है, अब इसमें हम तड़का मारेंगे, आपको दिखाएंगे तड़का आगे। ये देखिए तेल पड़ गया इसमें, तो इसमें जीरा और तेज पत्ता पड़ चुका है, और लास्ट में खड़ी धनिया डाली गई है। डार सब डार का हुआ का बचा है घर में, डाल दो डाल दो डाल दो, खड़ी धनिया है ये। मसाला उठा लो, खड़े मसाले, काली मिर्च, लकड़ी, और वो क्या बोलते हैं चकरी। भाई साहब कहीं बाहर से लाए हैं, यही स्वाद दिखाएगा। और ये गया इसमें, ये रहा मिक्स मसाला है, खड़ा मसाला है, सबूत मसाला। और इसको चलाएंगे अच्छे से, प्याज गई इसके बाद इसमें, खुशबू को भी तो बताओ इतना। नहीं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू बढ़िया बढ़िया खुशबू आ रही है, खुशबू बढ़िया आ रही है, भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, अलग ही लेवल का खुशबू है, अभी से ही पता चल रहा है। खड़े मसालों का स्वाद ही अलग है, सभी जानते हैं। और ये रहा, तो दोस्तों आप लोगों को ये सब्जी जब बनेगी ना, ये अलग ही लेवल की सब्जी बनेगी आज। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, क्या ही बताऊं। लाल मिर्च जा रहा है, दूसरा मसाला, शायद ये कौन सा मसाला है, मीट मसाला, हाँ मीट मसाला है शायद, कि गरम मसाला है, गरम मसाला ही है। ये रहा धनिया पाउडर, ये रहा धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, हाँ, ये छोटा सा पुड़िया है राजेश का, ये अलग ही लेवल का स्वाद बनाएगा। अभी फिलहाल तीन डालेंगे इसमें, ये राजेश मसाला है, अलग ही लेवल का स्वाद बनाएगा। सब बना रहे हैं, ये कह रहे हैं आज हम अपने स्वाद का बनाएंगे, खा के बताना सब लोग, तो ये अपना ट्रिक आज मार रहे हैं। तो पानी में डालकर घोल लिया गया है, थोड़ी देर रखेंगे इसको, उसके बाद डालेंगे। इसमें लहसुन, अदरक और मिर्च है, ये जाएगा अब ब्राउन होने के बाद प्याज। अरे वाह क्या खुशबू, खुशबू से तो मन भर गया भाई, खाएंगे क्या, मुंह में पानी अभी से आने लगा यार। अच्छे से चलाएंगे इसको थोड़ी देर, अब जाएगा घोला हुआ मसाला। ओहो हो क्या खुशबू आई है यार, हाँ बहुत अच्छी खुशबू, लग रहा है कि कुछ बन रहा है आज। अब इसको धीरे धीरे चलाएंगे 5 से 10 मिनट, उसके बाद ये जाएगा नमक, अब कितना जाएगा, एक कलछुल पूरा, सारा गया नमक। बहुत सही भाई, देखने पे देखिए भाई साहब कितना अच्छा आ रहा है। ओहो क्या बात, ये देख पा रहे होंगे आप लोग,
तो हम लोग इतने लोग हैं यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग। ये वहाँ की चिल्लर पार्टी बैठी हुई है, ये इधर का व्यू। वाह भाई साहब, सही। टमाटर ढक्कन लाओ। बहुत सही भाई साहब, अब थोड़ी देर के लिए इसको ढकेंगे हम ताकि ये टमाटर गल जाए। ढक्कन इतना अच्छा लग रहा है देखने में। कद्दू और आलू बनेगा। कद्दू और आलू की सब्जी ऐसे बनेगी भाई साहब। और ये लो, हमने ढक दिया इसको, खा लो। गया इसमें कद्दू। भाई साहब अच्छे से चला रहे हैं। है? पत्ता से पकड़ के खड़े भाई। ये बाकी लोग बैठे हुए हैं और ये चढ़ा हुआ है डिग्गी, बोले तो भगवाना। सोमनाथ भाई हैं। कद्दू लगभग गल ही गया है, ले आ बेटा, थोड़ा सा बचा है। ये सीक्रेट मसाला जा रहा है। वाह भाई, होम मेड मसाला, सीक्रेट मसाला। शरबत तो नहीं लाओ जाए? हाँ बस करो, ज़्यादा ना गलाओ, कहे से ठीक है, इतना बहुत गल गया। हैं जा पूरा एकदम, चलो गला दो थोड़ा और, गला दो। वैसे बन ही गया लगभग, पूरा गल गया यार। हाँ गल तो गया, ऊपर निकाल, कलछुल से निकाल के दिखाओ भाई साहब। बहुत सही, हाँ बहुत लाजवाब। काका आटा सान रहे हैं। ए मक्खी आ रही भाई, इतना आटा सन गया है, इतना सान रहे हैं। और ये चावल है, इसका पुलाव बनेगा, दिखाएंगे हम आगे आपको। ये आलू अब लास्ट में डालेंगे हम, इसमें मिलाएंगे, झब्बा डाल रहे हैं आलू। और ये गई आलू, चलाओ काका। आगे बाहर का, आगे बाहर का। ये देख, आगे निकाल। सब्जी लगभग तैयार हो गई है, चेक करने के लिए दो भाई, थोड़ा सा चेक करेंगे अब। बस 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 बस, बहुत। ये चेक करेंगे अब। सब्जी बन के रेडी हो गई हमारी, ये देखिए शानदार। पुलाव, पुलाव चावल। ये पुलाव के लिए पानी है दोस्तों, लगा दो। ये अभी उबाल नहीं आया इसमें पानी में। ये चावल बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे, पुलाव। और ये पग्गी खाएगी, झब्बा खाएंगे, छिप रहे हैं। और ये जंगली भी खाएंगे, काका तो खाएंगे ही। देखिए दोस्तों, पुलाव हमारा बन रहा है और बनाते बनाते शाम हो गई, दिन में 1 बजे से हम लोग लगे हुए थे। और ये पुलाव है, उसके बाद हमारी पूड़ियाँ निकलेंगी। वही है दिन से, और इनसे बढ़िया तो खीर बन गया। हाँ खीर बन जात, बात सही है। अब ये शाम हो गई है,
देखिए ऐसे बढ़िया फल चला। अब इसमें पूड़ियाँ बनेंगी, लेकिन यह मैं हमारा लगभग रेडी हो गया है। लाइट जलाओ और लाइट जलाओ, थोड़ा देखो चेक करो। हाँ चेक कर रहे हैं। कहाँ? हाँ एक ठे रखियो, जाओ। हो गई है दोस्तों और अब हम लोग पूड़ी निकालेंगे सब लोग। ये देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया है, अब जल्दी जल्दी से बना के खा के जाएंगे अपने घर। पूड़ियाँ निकल रही हैं भाई साहब, अंधेरे का लुप्त लो और पूड़ियाँ निकालो। और ये साहब निकाल रहे हैं पूड़ियाँ, ये देखिए कितना अंधेरा हो गया। ये लाइट है, सलाद है, टमाटर प्याज और नींबू। खाओ भाई खाओ, ये बच्चा पार्टी खाना शुरू कर दिया है। मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये समर्थ हैं, ये पग्गी है, ये बिट्टो है, ये का नाम रागनी है, ये पग्गी है, ये इसका क्या नाम रिमझिम है। ये सब खा रहे हैं अब अपने अपने दोने में लेके, और सब लोग खा रहे हैं। और ये लखा है, ये सलाद है कटा हुआ। जब्बा, सुमित जल्दी खाओ, फटाफट फटाफट खाओ। और जंगली सारे लोग खा रहे हैं भाई भोजन। ये देखो अब इसके बाद हम लोग खाएंगे। ये दिलीप सिंह वो खा रहे हैं। तो सब्जी आ गई हमारे लोगों के थाली में, अब हम लोग खाएंगे और बताएंगे कैसा है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और घंटा का बटन जरूर दबाएं, शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।